Here's to our journey. It started with you. ब्लू बजाज ईवी लॉन्च। इस इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ मिलकर के बजाज ने उतारे दो इलेक्ट्रिक स्कूटर, मिरकल जीआर और डी डेक्स जीआर। दो इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बता दें उलू और बजाज की तरफ से यहाँ पे मिलकर के दो स्कूटर लॉन्च किया गया है। काफी सस्ता स्कूटर है, आइए जानते हैं कितना सस्ता है, कितना माइलेज देता है, बजाज कंपनी इस कंपनी से क्यों मिलकर के जो है सो गाड़ी लॉन्च की है, सब कुछ डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए सबसे पहले गाड़ी का फर्स्ट लुक देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ये रहा हमारा दोनों गाड़ी, एक व्हाइट कलर का है, एक आपका दोस्तों ग्रीन कलर का है। दोनों गाड़ी देख सकते हैं, मॉडल यहाँ पे सेम टू सेम है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है लेकिन ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। दोनों गाड़ी ये लॉन्च किया गया है, काफी तरफ अच्छा है। आपको बता दें उजू उल्लू और बजाज दोनों मिल करके ये गाड़ी को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो उल्लू और बजाज दो नया ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप कंपनी उल्लू से मिल करके भारतीय कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी का नाम है मिरकल जीआर और डेक्स जीआर। दो गाड़ी को लॉन्च किया गया है, दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। तो बात करते हैं, तो बजाज ऑटो ने रोजमर्रा के काम को ध्यान में रखते हुए दो इलेक्ट्रिक स्कूटरों को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन मिरेकल जीआर और आपको बता दें डीएक्स जीआर को पेश किया गया है। इन स्कूटरों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप उलू के साथ मिल करके बनाया गया है और इन्हें भारतीय उपभोक्ताओं, यहाँ की जलवायु और सड़क स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय पर्यावरण और जलवायु को देखते हुए यहाँ पे उलू ने बजाज के साथ लॉन्च किया है मिल करके। जानकारी के लिए बता दें कि बजाज ऑटो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बजाज चेतक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। ई स्कूटर उलू के प्रौद्योगिकी स्टेक द्वारा संचालित होंगे और विशेष रूप से बजाज ऑटो द्वारा निर्मित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें बजाज ने इसे बनाया है लेकिन उलू के साथ मिल करके बनाया गया है। आगे बात करते हैं, तो तेजी से बदल रहा है मार्केट का डिमांड। जी हाँ दोस्तों, बता दें उलू के सह संस्थापक और सीईओ अमित गुप्ता ने कहा है कि इस मोबिलिटी की जरूरत और ग्राहकों की अपेक्षा तेजी से बदल रही है और इससे जो है पारंपरिक रूप से आने वाले मॉडल बाधित हो रहे हैं। यहाँ पर लॉन्च शेयर मोबिलिटी स्पेस में मार्केट डीलर के रूप में हमारी स्थिति और मजबूत होगी और बजाज का इलेक्ट्रिक होना एक प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता है और उलू की इन रणनीति का भी एक अभियान अंग है। जी हाँ दोस्तों, बजाज का कहना है कि उलू के साथ हम लोग मिल करके इसको लॉन्च किए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो बड़ी योजना पर हो रहा है काम। जी हाँ दोस्तों, उलू के मुताबिक पिछले 3 महीने में कंपनी के बेड़े को दुगनी रफ्तार से तेजी देखी गई है। देश के प्रमुख शहरों में 1 लाख वाहन का उतारने की तैयारी की जा रही है। ऑपरेटिंग मैट्रिक्स स्थानीय रूप से सोर्स किए गए पुर्जों को और असेंबली पर ध्यान रखा जा रहा है। इस तरह से साल के अंत तक 10 गुना से अधिक राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में कंपनी का लगभग 100 स्टेशन है, जिन्होंने कंपनी में 2024 तक 500 बढ़ाने की योजना बना दी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अभी तक दिल्ली मुंबई सहित 100 स्टेशन पर इनका काम चल रहा है लेकिन इनका कहना है कि 2024 तक जो है 500 से ज्यादा यहाँ पे जो है इनका स्टेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो दो गाड़ी यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। दोनों का भी प्राइस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है लेकिन जैसे ही जानकारी मिलेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।